Assalamualaikum viewers, welcome to our channel and welcome to another video. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. Today I'm sharing another unstitched dress by Zara Shahjahan. Zara Shahjahan luxury lawn collection 2022. Let's see how it is. ओके जी, अब तक का सबसे खूबसूरत ड्रेस, मेरा फेवरेट अब तक जितना मैंने शेयर किए हैं उनमें से ये है. एक तो सा कलर बहुत ही खूबसूरत है ड्रेस में, जो है ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, लेकिन मोस्टली जो है जितने कलर जैसे पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही टोन्स हैं. ज़रा सा लाइट है, ज़रा सा ऐसे डार्क है. टी पिंक का कलर है, शेड है, बट टी पिंक का भी लाइटर शेड है. ये पूरा इसका फ्रंट है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है. लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, यानी 55 इंचेस आराम से बन जाएगी. इसका बॉर्डर है काफ़ी बड़ा सारा, वो मैं दिखाती हूँ, लेकिन ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और काफ़ी एम्ब्रॉयडरी जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है. इसके अंदर उन्होंने तिल्ला भी यूज़ किया है, इसके अंदर इन्होंने रेशम के बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं. पिस्टल, ये जो कलर है एक्चुअली टी पिंक का ही शेड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा शेड है. और देन ये जो ग्रीन इसके अंदर इन्होंने यूज़ किया है, तो ये इसको फॉर्मल तिल्ले से जो है इसको फॉर्मल भी बना रहा है और बड़ा ज़बरदस्त है. इसके एम्ब्रॉयडरी के सारे कलर्स और फुल एम्ब्रॉयडर्ड है. अलबत्त ये है कि इसमें लार्ज साइज़ तो बन जाएगा, बट दामन जो है 23, 24, 25 इंचेस तक आई थिंक आराम से बन जाएगा. उसके अलावा इन्होंने बॉर्डर दिया है काफ़ी बड़ा, ऑर्गेन्जा का ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर है. और इसको इन्होंने, अब सोचें आपको यकीनन जो है इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि 55 इंचेस से भी ज़्यादा लेंथ बनेगी, क्योंकि ये तकरीबन 15 इंचेस का या 12, 13, 14, 15 इंचेस का जो है ये वो है बॉर्डर है. और ये फ्रंट बैक का है जिस तरह पिक्चर में दिखा हुआ है, ये वैसी है क्योंकि स्लीव्स का इन्होंने अलग बॉर्डर दिया. उसके बाद इन्होंने गले में आई डोंट नो क्या लगा हुआ है, पतली सी रेस है. ये वाला जो बॉर्डर है ये मुझे कहीं यूज़ हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही स्लीव्स पे लगाने की ज़रूरत है. तो इसको जो है गले और आर्म होल पर इन्होंने, मुझे लगता है कि सिर्फ इतना वाला हिस्सा लगाया इसको और इसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि बिल्कुल ही कोई पतली सी चीज़ लगी हुई. तो अगर इसको काट के लगाएंगे तो भी जो ये बन जाएगा, क्योंकि और कोई बॉर्डर है नहीं इसके अंदर ना. लेकिन ये दामन का काफ़ी बड़ा चौड़ा सा जो है बॉर्डर है. अलबत्त इसको फ्रंट बैक पे लगाएंगे तो ये मैक्स दामन आई थिंक 30 या 32 इंचेस हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. उसके बाद फिर ये इतना खूबसूरत इसका फुल्ली जाल वाला, मैं एक्चुअली जाल नहीं बंच है मगर काफ़ी करीब है ये बैक है. और इसमें से साइड पैनल्स भी जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना ये फ्रंट है उसी के बिल्कुल बराबर का ये डबल कपड़ा है जो कि मैंने इसको रखा हुआ है. ज़ारा शाहजहाँ वाले भी जो है हमेशा कपड़ा बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मैंने इसको खोला नहीं. ये डबल कपड़ा है, इसको आराम से बैक भी बन सकता है इससे बड़ा, और जो है साइड के पैनल्स भी लगा सकते हैं. तो इसमें आप जितना बड़ा चाहें, एटलीस्ट जितना ये बड़ा बॉर्डर है, क्योंकि बॉर्डर से कम इन्होंने कपड़ा दिया, तो एटलीस्ट जितना बड़ा बॉर्डर है तकरीबन 4-5 इंच एक्चुअली दोनों साइड पे पैनल आ सकता है, तो उससे ये दामन सारा यूटिलाइज हो जाएगा. उसके बाद हैं ये इसकी स्लीव्स. अब स्लीव्स क्योंकि पिक्चर में स्लीवलेस पहना हुआ है, तो आई डोंट नो उन्होंने किस तरह का स्टाइल बनाया है, बट इस तरह से ये स्लीव्स हैं. और उसके बाद फिर उन्होंने ये एक बॉर्डर भी दिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला बॉर्डर जो है वो एज की तरफ जाएगा और ये जो बॉर्डर है ये ऊपर बाइसेप की तरफ आएगा, एप्लीक होगा, क्योंकि एज पे तो कुछ तुक नहीं बनता इसका ना. और स्लीव्स का शायद एज, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मिडिल में एम्ब्रॉयडरी आ रही है, तो फिर शायद ये एज एंड की तरफ हो, क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ नहीं है, तो इसका आई हैव नो आइडिया कि किस तरह से इसको जो है यूटिलाइज करना चाहिए. अगर हमने इसको स्टिच किया तो शायद मे बी तब डिसाइड कर लें कि किस तरह से करना है. और इसके बाद इसका कैंब्रिक का ट्राउज़र भी जो है अच्छा. अलबत्त ये वाला ट्राउज़र की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी कि बाकी वालों की थी. नॉर्मल कॉटन टाइप का है और इन्होंने दिया हुआ है 2.25 गज. इनकी जो है ज़ारा शाहजहाँ के सूट्स का जो है जो ट्राउज़र है उसका अर्ज़ बड़ा होता है, बट लंबाई में जो है इसका वो आता है जोड़ आता है, तो शायद इतना ज़्यादा फ्लेयर ना बन सके. बट ये कि 28 इंचज़ या 30 इंचज़ 35 इंचज़ तक एक्चुअली बन जाता है एक पॉइंट आना. उसके बाद एंड में है इसका जैकार्ड का ग्रीन दुपट्टा. बेसिकली इनके जो कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन हैं, समर के हिसाब से कलर्स हैं, तो बहुत ही खूबसूरत हैं. मोस्टली ज़ारा शाहजहाँ जो है वो हर टाइम में भी हर कलेक्शन में लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, और ये भी लाइट हैं, बट लाइट के टोन्स बहुत ही खूबसूरत हैं. तो और फिर सभी के साथ तकरीबन कॉन्ट्रास्ट है दुपट्टा, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं इनके इस बार वाला कलेक्शन. सो ग्रीन एंड टी पिंक का कलर खूबसूरत, मतलब जो टोन है
और जिस तरह से पिक्चर में कलर दिख रहा है, अब तक मैंने जितने भी शेयर किए हैं वो सारे के सारे वैसे ही दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी में भी नहीं, जिस तरह पिक्चर में दिख रहे हैं वैसे ही ओरिजिनली कलर है। सो मेरी तरफ से तो 10/10। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो ड्रेस एंड वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड कॉमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।